करेंसी मार्केट में क्या बुल सीजन खत्म हो चुका है, क्या बुल रन खत्म हो चुका है और क्या बुल रन अब नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में जो माहौल बना हुआ है पिछले 6-7 महीने से, ये सातवां महीना शुरू हो चुका है अक्टूबर का और बिटकॉइन के जो प्राइस हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। आप अगर देखोगे मार्च मंथ में बिटकॉइन ने 73,800 डॉलर को हाई लगाया था, 74 को भी हिट नहीं कर पाया था उस टाइम पे बिटकॉइन, लेकिन प्रीवियस हाई ब्रेक करके 69,000 डॉलर को ब्रेक करके 73,000 डॉलर नया हाई जरूर लगाया था, क्योंकि बिटकॉइन के स्पॉट ETF के अप्रूवल मिल गए थे उस टाइम पे। और एक और सबसे बड़ी जो अप्रैल मंथ में घटना होने वाली थी वो थी बिटकॉइन की हालविंग। लेकिन 6-7 महीने हो गए, कंसोलिडेशन टाइम ब्रेक ही नहीं हो रहा है। मतलब ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है 6-7 महीने का, जो बंधन है ये बंधन ही है, क्योंकि जब मार्केट बड़ा मूव लेता है ना तो वो किसी बंधन को तोड़ के लेता है और वो बंधन बनाना भी तो पड़ता है पहले, और 6-7 महीने हो गए हैं ये बंधन अच्छा खासा बना दिया है। 5 से 6 बार ऐसी सिचुएशन देखी हमने कि बिटकॉइन 70,000 को हिट करके 72,000 को हिट करके वापस नीचे गिर गया है ना, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपने देखा होगा, अगस्त में देखा होगा। तो सबसे पहली चीज, बार बार एक ही गेम हो, सेम ही गेम हो, ऐसा नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। और 70,000 से बार बार गिर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बुल रन खत्म हो गया है, बुल सीजन खत्म हो गया। इट मींस जिन लोगों ने 70,000 के ऊपर शॉर्ट्स के ट्रेड लिए हुए हैं, है ना, हालांकि 6 महीने हो गए मार्केट को इस 60 से 70 की रेंज में घूमते हुए, तो एक चीज आप क्लियरली समझ लो, ब्रेकआउट तो होगा। और बुल रन को ये कह देना कि बुल रन खत्म हो गया, तो मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तो बुल रन ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुआ। बुल रन का अभी तक ठीक से स्टार्ट, ठीक से जो मार्केट के अंदर एक हवा है बुल रन की, वो भी नहीं चली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप उठा के देखिए हर कैटेगरी को, बहुत सारे कॉइन्स नीचे के लेवल पे सर्वाइव कर रहे हैं और उनको ऊपर कौन लेके जा सकता है, उनको ऊपर ले एक ही सिचुएशन लेके जा सकती है जो है बिटकॉइन की नए ऑल टाइम हाई वाली। तो अगर हम बात करें, अक्टूबर शुरू हो चुका है, कुछ ही देर में CPI डेटा आने वाला है, ठीक है, CPI नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है जब ये वीडियो आपके पास पहुंचे तो CPI डेटा आ जाए, तो अगर आपने जानना है CPI डेटा कितना आया, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स हैं वो ज्वाइन कीजिए, ठीक है। CPI डेटा आ रहा है सितंबर मंथ का, ये भी डिसाइड करेगा कि अगले जो दिन आ रहे हैं अक्टूबर के वो कैसे निकलने वाले हैं। और देखो मार्केट में ना जो गेम होता है, अगर बिटकॉइन ने अक्टूबर की स्टार्टिंग थोड़ी वीक की है, थोड़ी सुस्त माहौल से की है, तो ये एक इंडिकेशन भी है कि एंड कहीं ना कहीं शानदार और अच्छा हो सकता है। और बिटकॉइन के पॉसिबल चांसेस हैं कि बिटकॉइन जल्दी ही, जैसे ही हम 15-20 अक्टूबर के टाइम फ्रेम में चलेंगे, ठीक है, 15-20 के बाद जाके हो सकता है मार्केट में एक और बड़ा जंप आए। और इस बार एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 70,000 टूटा तो नए ऑल टाइम हाई पे जाएंगे ही जाएंगे, और पॉसिबल चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। अगर स्टार्टिंग में ऐसा माहौल बन रहा है तो उसके पीछे गेम है, ताकि बहुत सारे लोगों को हिंट भी ना मिले कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। मार्केट में जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, मार्केट इतनी ईजिली हिंट भी नहीं देता, इतनी ईजिली ये लगता नहीं है कि मार्केट में कुछ बड़ा होगा। अगर कुछ बड़ा होगा ना, तो आप रात को सोएंगे और सुबह देखेंगे कि बिटकॉइन 70,000 पे पहुंच गया, एकदम से हो जाएगा, है ना, एकदम से ही बिटकॉइन के प्राइस 70,000 पे पहुंच जाएंगे। ऐसे गेम होते हैं, तो वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 70,000, 80,000, 90, 1,00,000, ये तो अभी बाकी है, अभी तो नया ऑल टाइम हाई लगा ही गए, अभी तो पीक लेवल बिटकॉइन के दिखे ही गए, है ना। तो अभी बुल रन भी बाकी है, बिटकॉइन का हाई भी बाकी है, क्योंकि जब तक बिटकॉइन के नए ऑल टाइम हाई सेट नहीं होंगे, पीक लेवल्स नहीं दिखेंगे, तब तक मार्केट में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो उम्मीद है 70,000 किसी भी वक्त आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे तो भैया आपको ट्रेड करता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन 70,000 से ऊपर, और ऐसा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट गेम करेगा, गेम करने के साथ साथ मौका भी नहीं देगा कि बहुत सारे लोगों को लॉन्ग करके प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है, पलक झपकते ही मार्केट में खेल बदलने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको टेलीग्राम पे ही मिलती रहेंगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक